फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपके लिए एक स्पेशल थिंग लेकर आया हूँ, जैसे कि एक वैकेंसी लेकर आया हूँ। तो उस वैकेंसी का पोस्ट का नाम है कांस्टेबल फायर का। तो किस फोर्स में, मतलब CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल फायर का वैकेंसी निकला है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर मैं अभी देने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कांस्टेबल फायर वैकेंसी का पूरा डिटेल्स। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है 11/12/2017 से जो है ये एप्लीकेशन जो है आप सबमिट करना, जो फॉर्म फिलअप करना जो डेट है चालू हो चुका है, अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो ये लास्ट डेट कब है? तो ये 11/1/2018, मतलब जनवरी 11 तक जो है आपको भर सकते हो, शाम को 5 बजे तक है। तो ये सीधी पोर जो है, पहले जो है CISF की जो भी सिलेक्शंस होता था, जो खुद करता है उसके जो है ऑफलाइन में बेचता था फॉर्म को, अभी जो है सिर्फ ऑनलाइन पे बेचना होगा आपको। सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन पे जो है आप फॉर्म फिलअप करना होगा, तो ऑफलाइन में नहीं होगा। ये चीज जो है ध्यान से सुनिए। तो उसके बाद में जो है ये नोटिफिकेशन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो मेल कैंडिडेट सिर्फ भर सकता है जो इंडियन है उसी का है। उसके बाद में जो है ये 7th पे कमीशन के हिसाब से अगर कितना पेमेंट मिलता है इसके बारे में अगर बात करेंगे, तो 21,700 बेसिक पे से लेकर 69,100 का बेसिक तक जो है मिलेगा। यहाँ पे 7th पे कमीशन में ग्रेड पे का हिसाब नहीं है, ये लेवल 3 के अंदर में अभी आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करते हैं आगे में, कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्या सैलरी मिलता है ट्रेनिंग के बाद में। तो उसके बाद में फिर जो स्पेशल हम लोग बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड में, तो ये ऑनलाइन मोड पे सिर्फ होगा। इसकी जो है वेबसाइट, जो आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जो है आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस ये है PST/PET, मतलब आपकी हाइट और वेट और चेस्ट की, और उसके बाद में जो है 25 किलोमीटर्स का रनिंग होने के बाद में फर्स्ट जो है ये होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फिर आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में फाइनल रिजल्ट, उसके बाद में जो है ट्रेनिंग। ये जो है पूरा प्रोसेस है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। जो है 487 वैकेंसी है दोस्तों ऑल इंडिया पे, हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी आप देख सकते हो। आपको जो है लिंक दे दूंगा, उसमें जो है आप पूरा देख सकते हो कौन सा स्टेट में आप, कौन सा स्टेट में आते हो उसमें जो है आप देख सकते हो। तो उसके बाद में फिर एक चीज है, तो एग्जाम जो है एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं। 100 मार्क्स का है, जो SSC GD का एग्जामिनेशन होता है वैसे ही सेम होता है। यहाँ पे दो ही लैंग्वेज पे होता है, एक इंग्लिश का, एक जो है आपको हिंदी में होता है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम होगा, बाकी जो आपका रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें एग्जाम नहीं होगा। तो ये भी बात जो है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि SSC GD का जो भी कांस्टेबल का लिखता था वो बंदा जो है सोचता है कि अपना रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो दोस्तों ये नहीं होता है। क्यों? रीजनल लैंग्वेज में ये बता रहा हूँ कि जो बंगाल का बंदा है, फिर मराठी है, उसके बाद में जो आंध्रा का है, तमिलनाडु है, केरला का, वो लोग रीजनल लैंग्वेज में लिखने के लिए ज्यादा सोच में रहता है। तो उसके बाद में फिर बता दूं आपको एज का क्या है। एज का जो है 18 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक, मतलब नॉट लेस देन 18 एंड ज्यादा जो है 23 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसकी एज रिलैक्सेशन कुछ मिलता है क्या? जो OBC कैंडिडेट के लिए आपको जो है 3 ईयर्स एक्सटेंशन है, रिलैक्सेशन है, मतलब नॉट एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन है। तो आपको मतलब 18 से लेकर 23 नॉर्मल सबके लिए एक ही है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, जनरल OBC SC ST जो भी आता है वो नॉर्मल है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन जो मिलता है OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 23+3 26 होगा, और SC ST के लिए 23+5 जो है 28 ईयर्स तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में फिर आपको बताते हैं कि उसके बाद में आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि फॉर्म फिलअप करने के लिए 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसको जो है आप नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और ऑफलाइन चालान काट के आप भर सकते हो। और उसके बाद में कुछ स्पेशल चीज आपको बात करें तो बहुत आदमी को जो है SSC GD के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन जो CISF फायर के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। तो मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं कि CISF में दो विंग्स है, एक सिक्योरिटी विंग है, एक फायर विंग है। तो फायर विंग में क्या काम करता है इसके बारे में आपको जानना है, तो आप जो है मैं अलग से कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि क्या होता है
एक्चुअली फायर का ड्यूटीज क्या होता है। अगर मान लो किसी को बंदा को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, इस वीडियो में तो पूरा जानकारी मिल रहा है, जैसे कि आपको एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में जो है आपको जानकारी मिल रहा है। कुछ ऐसा बंदा होता है कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है कि ये करियर कैसा है, इसकी प्रमोशन कैसे रहता है, सैलरीज कैसे रहता है, ट्रेनिंग कैसे रहता है, उसके बाद में जो है मेरा करियर कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ कोई भी बंदा अगर चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसमें जो है आप उस लिंक को ओपन करके वहाँ पे एक फीस होगा, 50 रुपीज का फीस होगा, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप एडवाइस ले सकते हो, कि पूरा जानकारी ले सकते हो, ठीक है। आप फीस भरने से पहले कोई भी बंदा अगर ज्यादा जानकारी चाहता है वही बंदा भर सकते हो, उसमें जो है जानकारी हमसे ले सकते हो, डायरेक्टली हम बात करेंगे। उस फॉर्म को भरने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको क्लिक करना है, वहां पे लिंक क्लिक करने के बाद में जो है आपके नेम और जो आपकी काम जो मोबाइल नंबर चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है वो नंबर, उसके बाद में ईमेल आईडी देना होगा। जब आप पेमेंट कर देते हो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से या किसी से भी, आप जो है नेट बैंकिंग से या पेटीएम से किसी से भी आप करते हो, तो उसके बाद में मेरा ईमेल आएगा, मेरे के पास ईमेल आएगा कि फलाना बंदा जो है आपको एडवाइजरी के लिए इतना फीस भर दिया है, तो मैं उसको तुरंत जो है कॉल बैक करूंगा। तो आपको जो है जो भी मतलब पेमेंट कर रहा है उससे पहले आप लिख लीजिए आपके पेपर में, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन है आप लिख के रख लीजिए, मैं जब फोन करूंगा तो आप जो है क्लैरिफाई कर लीजिए। तो ये एक अच्छा मौका है, कोई बंदा अगर चाहता है तो आप जो है कर सकता है। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये 10+2 मांगा है, सबसे पहले जो है 10th क्लास का मांगता था, अभी जो है 10+2 का मांगा है क्वेश्चन, जो क्वालिफिकेशन है इसमें विथ साइंस चाहिए, ठीक है। जो मैथ्स भी पढ़ता है उसमें जो है साइंस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, वो भी क्वालिफाइड है, और जो बायोलॉजी वगैरह पढ़ता है वो भी क्वालिफाइड है, मतलब एलिजिबल है, तो आप लोग जो है भर सकते हो। मतलब 10+2 में साइंस बैकग्राउंड चाहिए, तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत आदमी जो है आर्ट्स बैकग्राउंड रहता है वो लोग भी भरने के लिए कोशिश में रहता है, जो साइंस बैकग्राउंड है वही बंदा भरना है, बाकी नहीं भरना है। ये दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को जो है मैं आपको बताया हूँ नोटिफिकेशन के रिलेटेड में। अगर कोई बंदा अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। और कोई स्पेशल से जो है एडवाइस लेना चाहता है इस कांस्टेबल फायर के बारे में, तो मैं आप जो है लिंक यूज करके फीस पे करिए और मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा, एक क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, आप कितना भी क्वेश्चन हो मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं आपकी पूरी करने के लिए बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।